नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन यानी शुक्रवार। रात के 10 बज चुके हैं। आपके सामने है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब, आपकी जिंदगी पर बिल्कुल सीधा असर। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो ज़रूर दीजिए ध्यान, क्योंकि बैंक ने बढ़ा दिए हैं अपने चार्ज। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने ग्राहकों के लिए एक ज़रूरी खबर है। बैंक ने 1 जून से सेविंग्स अकाउंट और सैलरी अकाउंट पर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सर्विस चार्ज बढ़ा दिए हैं। इसमें अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने का चार्ज भी शामिल है। कस्बों और ग्रामीण इलाकों में मासिक न्यूनतम बैलेंस 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। NACH के तहत ऑटो डेबिट फेल होने पर लगने वाला चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। ये चार्ज 1 जुलाई से लागू होगा। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर अब मेट्रो शहरों में 500 रुपये की बजाय 600 रुपये का चार्ज लगेगा। कस्बों में इसे 300 रुपये और गाँवों में 250 रुपये कर दिया गया है। NACH की फीस को रिवाइज करके 500 रुपये, ऑटो डेबिट फेल होने पर चार्ज को 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है। एक्स्ट्रा चेकबुक के लिए प्रति लीफ 250 रुपये की जगह 4 रुपये का शुल्क लगेगा। RBI ने शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के इस दौर में सुरक्षित और बेहतर निवेश का विकल्प बताया है। आइए जानते हैं आपका पैसा कहाँ सुरक्षित रहने वाला है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच अगर आप सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं तो सोना आपके लिए पहले से ज़्यादा बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में सुरक्षित विकल्प के लिए सोना अन्य एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। RBI ने अपने सालाना रिपोर्ट में कहा है कि सोना निवेश में विविधता का फायदा प्रदान करता है। एक तरफ बाजार में गिरावट के समय नुकसान कम करने में मदद करता है, वहीं लंबी अवधि के लिए रखने पर अच्छा रिटर्न भी देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने ने लंबी अवधि में सकारात्मक रिटर्न दिया है और ये रिटर्न अन्य प्रमुख एसेट क्लास के मुकाबले बेहतर रहा है। वहीं हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ समय से सोने में अपनी खरीद बढ़ाई है। पिछले साल केंद्रीय बैंक ने अपने रिजर्व में 65.11 टन सोना जोड़ा है। ये एक वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा खरीदारी है। बाजार में एक नया हेल्थ इंश्योरेंस आया है, जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से फीचर्स चुन सकेंगे। इसमें और क्या फायदे मिलेंगे आपको, चलिए जान लेते हैं। रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस ने अपनी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलायंस हेल्थ गेन को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी में ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से फीचर्स चुन सकेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकेंगे। ग्राहकों को केवल चुने गए फीचर्स के लिए ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी में क्लेम के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बीमा की राशि का 2 गुना कवर मिलता है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी में बेस सम इंश्योर्ड अमाउंट को पॉलिसी ईयर के दौरान कितनी भी बार रिस्टोर किया जा सकता है। इसके साथ गारंटीड कम्युलेटिव बोनस भी मिलता है। पॉलिसी में पहले से मौजूद बीमारी के वेटिंग पीरियड को 3 साल से घटाकर 1 या 2 साल करने का विकल्प भी मौजूद है। पॉलिसी में एक फीचर और मिलता है, जिसमें ग्राहक 12 लोगों तक के लिए कवर खरीद सकता है। इसमें संयुक्त परिवारों को आसानी से शामिल किया जा सकता है। अगर आपको भी 2000 के नोट नहीं मिल रहे तो इसकी वजह क्या है, आइए चलिए जानते हैं। देश में 2000 के नोट की संख्या बैंकिंग सिस्टम में लगातार कम हो रही है, घट रही है। रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट की माने तो सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये के नोट का कुल मूल्य सभी नोट के मूल्य का फिलहाल 13.8% है, जो कि पिछले साल 17.3% था। यानी 1 साल के अंदर कुल बैंक नोट की बढ़ती संख्या के बीच 2000 रुपये के नोट की मौजूदगी 17 से घटकर 14% से भी नीचे पहुंच गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से 2000 के नए नोटों की छपाई पूरी तरीके से बंद है, वहीं अन्य नोटों की छपाई लगातार जारी है। इससे सर्कुलेशन में 2000 के नोट की हिस्सेदारी में गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भी ऐसा क्रम जारी रह सकता है, जिससे संभावना है कि इन नोटों की किल्लत आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। मोबाइल, फ्रिज, TV भी बाजार में आएंगे कम, क्योंकि कंपनियां उत्पादन घटा रही हैं। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों ने जुलाई में अपने उत्पादन में 10% की कटौती की शुरुआत कर दी है। ऐसा बार बार कीमत बढ़ाने की वजह से डिमांड में आई कमी के कारण किया जा रहा है। लगभग सभी मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन प्लान में कटौती कर दी है, जबकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ अपने अपने इन्वेंट्री लेवल पर उत्पादन घटाने की योजना बना रही हैं। कई टॉप ब्रांड के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली जैना ग्रुप, जो खुद कार्बन ब्रांड से मोबाइल फ़ोन बेचती है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप जैन का कहना है कि इस साल अब तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री करीब
30% घट चुकी है। इस वजह से कंपनियां अपने प्रोडक्शन में 10% की कटौती कर दी है। कंपनियां इस समय अपने स्टॉक निकालने पर फोकस कर रही हैं। बिजली संकट से परेशान उपभोक्ताओं को अब हर हफ्ते भरना पड़ सकता है बिजली का बिल, और इसकी वजह क्या है, सरकार की नई योजना क्या है, चलिए जानते हैं। भीषण गर्मी के बीच बढ़ती बिजली किल्लत सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास विदेशों से महंगा कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि राज्य की बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम उधारी नहीं चुका रही हैं। पावर सेक्टर में गहराते वित्तीय संकट को हल करने के लिए सरकार ने अब नया प्लान बनाया है। सरकार ने पावर प्रोड्यूसर से कहा है कि वो अपने बिजली खरीदारों से अब हर हफ्ते भुगतान मांग सकते हैं, यानी बिजली खरीदो और हर हफ्ते बिल भरो। सरकार के इस कदम से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर और ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, जो कि पहले ही भारी कर्ज से दबी हुई हैं। जब बिजली वितरण कंपनियां हर हफ्ते भुगतान करेंगी तो वो इसके लिए आपसे भी महीने की जगह हर हफ्ते बिजली बिल का भुगतान करने को कह सकती हैं। 18 मई तक देश भर की डिस्कॉम कंपनियों पर पावर जनरेटिंग कंपनियों का 1,18,000 करोड़ रुपये का बकाया है। व्हाट्सएप में आया एक नया फीचर जिससे आपकी मुश्किल आसान होने वाली है। कौन सी मुश्किल आसान होने वाली है, चलिए देखते हैं। व्हाट्सएप मल्टी डिवाइस 2.0 से आप भविष्य में एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन या टैबलेट में चला सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप अपने प्राइमरी नंबर को इस्तेमाल किए बिना अतिरिक्त फ़ोन या टैबलेट में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अलग अलग व्हाट्सएप लॉगिन के लिए कई सिम रखने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। ये भविष्य में होने वाला अपडेट है, इसलिए अभी इसके आने की तारीख की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। वर्तमान में आप व्हाट्सएप को सिर्फ एक फ़ोन या टैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसे एक वेब डिवाइस से लिंक कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चैटिंग और अन्य प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए अपने इन ऐप फीचर्स को लगातार अपडेट करता रहता है। फेसबुक के इस्तेमालकर्ताओं को, फेसबुक के यूज़र्स को अब ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, और वो कैसे मिलेगी, चलिए जानते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने यूज़र्स को प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने के संबंध में नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। कंपनी 26 जुलाई से इसे अपडेट करने जा रही है। मेटा ने अपने पोस्ट में कहा है कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिर से लिखा है और डिज़ाइन किया है ताकि इसे समझना आसान हो और ये स्पष्ट हो सके कि यह यूज़र्स की जानकारी का उपयोग कैसे करता है। मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वालों के लिए सेवा शर्तों को भी अपडेट किया है। अपडेटेड मेटा प्राइवेसी पॉलिसी फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और अन्य मेटा प्रोडक्ट्स पर लागू होगी। ये पॉलिसी व्हाट्सएप, वर्कप्लेस, फ्री बेसिक्स, मैसेंजर किट्स पर लागू नहीं होगी। चलिए अब नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। पारादीप फॉस्फेट्स का शेयर आज शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। एनएसई पर शेयर 4.76% प्रीमियम के साथ 40 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि बीएसई पर पारादीप फॉस्फेट्स का शेयर 3.6% प्रीमियम पर 43.5 रुपये पर लिस्ट हुआ। आईपीओ का इश्यू प्राइस 42 रुपये प्रति शेयर था। पारादीप फॉस्फेट्स का आईपीओ अंतिम दिन 1.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी और हमारी जेब पर, जिंदगी पर असर। आप मनी टाइम को चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हों, वहाँ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।